सिटी न्यूज। पहले एक नजर राजधानी की हलचल पर। राजधानी में प्रीपेड बिजली मीटर लगाने की तैयारी, फ्रेंचाइजी कंपनियां बेचेंगी रिचार्ज कूपन। उच्च न्यायालय की सुरक्षा के लिए समिति गठित, समिति एक पखवारे में सरकार को देगी रिपोर्ट। चारबाग स्टेशन पर होगा 2 नए प्लेटफॉर्म का निर्माण, अब आउटर सिग्नल पर नहीं रुकेंगी ट्रेनें। तार बंधी पतंगों से पुराने लखनऊ में गुल हुई बिजली, एक साथ कई विद्युत उपकेंद्रों में आई खराबी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर रैन बसेरों का निरीक्षण, केंद्रीय टीम ने चारबाग व राजेंद्र नगर में लिया जायजा। आप देख रहे हैं उजाला सिटी न्यूज, राजधानी में लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाने वाला नंबर 1 न्यूज चैनल। नमस्कार, लखनऊ उजाला सिटी न्यूज के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत। पेश है आज के प्रमुख समाचार और विशेष कार्यक्रम। पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मतदाता दिवस पर आयोजित हुई फोटो प्रदर्शनी। डिप्लोमा इंजीनियर संघ का मना स्थापना दिवस। सुरक्षा व्यवस्था के लिए हुई बैठक। पाकिस्तानी दल द्वारा हुआ दारा का मंचन। मेहमान है नीलमा कपूर, प्रोप्राइटर कपूर कुकीज। सेहत विशेष में डॉक्टर जी के सिंह। स्पेशल स्टोरी में परेड के लिए सजने लगी झांकियां। देखिए हमारा विशेष कार्यक्रम, विभिन्न विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा विशेष जानकारियां। रविवार कारोबार, सोमवार कला संस्कृति, मंगलवार आपकी सेहत, बुधवार विज्ञान, गुरुवार उजाला अग्नि मंच, शुक्रवार खेल विशेष, शनिवार मनोरंजन। विशेषज्ञों द्वारा जो जानकारी दी जा रही है वो विशेषज्ञों का अपना मत है, इसमें उजाला सिटी न्यूज का कोई मत शामिल नहीं है। ये खबरें विस्तार से। हीरक जयंती वर्ष 2010-2011 एवं राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर आज इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान गोमती नगर में फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन प्रदेश के राज्यपाल बीएल जोशी ने किया। भारत और चुनाव विषय पर निर्वाचन आयोग द्वारा इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान गोमती नगर में चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रदेश के राज्यपाल बीएल जोशी भी मौजूद रहे। मतदाताओं को जागरूक करने और अपने मताधिकार का प्रयोग करने के उद्देश्य से आयोजित प्रदर्शनी में मजबूत लोकतंत्र, सबकी भागीदारी, मतदान सबका समान अधिकार और प्रत्येक भारतीय का मत बहुमूल्य है आदि स्लोगन भी लिखे गए। कार्यक्रम के माध्यम से मतदाताओं को घर से निकलकर मतदान करने की अपील की गई। इस अवसर पर जिलाधिकारी अनिल सागर, मुख्य निर्वाचन अधिकारी उमेश सिन्हा सहित कई अधिकारी भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट उजाला सिटी न्यूज। डिप्लोमा इंजीनियर संघ लोक निर्माण विभाग का 79वां स्थापना दिवस समारोह विश्वेश्वरैया सभागार में संपन्न हुआ। इस अवसर पर विभागाध्यक्ष और सेतु निगम के प्रबंध निदेशक टी राम मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। डिप्लोमा इंजीनियर संघ लोक निर्माण विभाग के स्थापना दिवस के मौके पर कहा गया कि आज के कार्यक्रम का स्लोगन एक चिंतन गुणवत्ता नियंत्रण बदलता परिवेश हम आप और वो रखा गया। कार्यक्रम में बदलते हुए वक्ताओं ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता विकास है और डिप्लोमा इंजीनियर्स इसके सजग प्रहरी हैं। विकास कार्यों में डिप्लोमा इंजीनियर्स का योग सदैव सराहनीय रहा है। इस मौके पर आए मुख्य अतिथि ने भरोसा दिलाया कि डिप्लोमा इंजीनियर्स को आने वाली सभी परेशानियों को शीघ्र हल कराया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट उजाला सिटी न्यूज। हमारे चिंतन मनन का दिवस है, जहां चिंतन है, आत्ममंथन है, नई परियोजनाएं, नई प्रवृत्तियां निकल के आनी चाहिए। स्पष्ट तौर पे आप पीछे हमारा बैनर देख रहे होंगे कि आज का जो हमारा मुख्य विषय है गुणवत्ता नियंत्रण बदलता परिवेश हम आप और वो।
गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पीसीओ व साइबर कैफे के संचालकों, पुरानी कार और बाइक बेचने वालों की बैठक एसपीसीटी पूर्वी हरीश कुमार की अध्यक्षता में हुई। बैठक में संदिग्ध व अपरिचित व्यक्ति पर नजर रखने का अनुरोध किया गया। एसपीसीटी पूर्वी हरीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में पुलिस अफसरों के अलावा पीसीओ व साइबर कैफे के संचालक तथा पुरानी कार और बाइक बेचने वाले शामिल हुए। बैठक में एसपीसीटी पूर्वी ने साइबर कैफे के संचालकों से कहा कि वे ग्राहकों का पूर्व विवरण अंकित करने के साथ आईडी प्रूफ अवश्य ले। इसी प्रकार उन्होंने पीसीओ संचालकों एवं पुरानी कार व बाइक बेचने वालों से संदिग्ध एवं अपरिचित व्यक्ति पर कड़ी निगाह रखने की बात कही। ब्यूरो रिपोर्ट, उजाला सिटी न्यूज। थोड़े से सहयोग से आपको मिल जाता है, पकड़ा जाता है, कोई होता है उसमें, तो आपने बड़ा भारी राष्ट्र की सुरक्षा का काम। पूरे लखनऊ के पीसीओ ओनर्स को नहीं इकट्ठा बुला सकते हैं, हम इस कमरे में करीब 40-50 बैठे हैं, हम अपेक्षा करते हैं कि उनके माध्यम से बताएं ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये मैसेज पहुंचे कि 26 जनवरी में पीसीओ और सागर कैफे पे हमको ये बातें बताएंगे। इनमें डाउट वाली बात लगी, नजदीक से नजदीक पाकिस्तानी दल इजोका द्वारा गोमती नगर स्थित संत गार्ड के प्रेक्षागृह में नाटक धारा का मंचन किया गया। नाटक के माध्यम से ये संदेश दिया गया कि हर धर्म सच्चा और हर धर्म अच्छा है। मंचन के दौरान प्रेक्षागृह दर्शकों की तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा। हर धर्म सच्चा और हर धर्म अच्छा है, मोहब्बत की डोर में पिरोकर सबको करीब लाने की जरूरत है। अपनी नेकी के चलते जान गंवाने वाला शहजादा सूफी शायर दारा जाते जाते लोगों को मोहब्बत का पैगाम दे गया। नाटक दारा धर्म के दायरों से निकलकर दिलों को जोड़ने की सीख दे गया। ये नाटक वरिष्ठ रंगकर्मी शाहिद नदीम द्वारा लिखित है और निर्देशन भी इन्हीं के द्वारा किया गया है। इनमें दारा को सबके साथ लेकर चलने के सूफियाना विचारों को दिखाया गया है। दारा की भूमिका में फुरकान का अभिनय भी सराहनीय रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, उजाला सिटी न्यूज। फैसला है तो मोदी बहन का अपने पुरखों की तरह मौज मस्ती का रसिया नहीं। अरे किसे सुन रखे हैं मैंने उसके हीरा भाई को तो जानत हो ना। हीरा भाई बादशाह की न खेल है। अगर दारा बादशाह होता तो रक्षक है, मगर आज दारा किसी की हिफाजत के काबिल नहीं रहा। जब शाहजहां ने हिंदू ताजरों पर लगान बढ़ाया तो दारा ही था जिसने बड़े दरबार में इस फैसले पर तंकीद की और शाहजहां फैसला वापस लेने पर मजबूर हो गए। मगर अब शाहजहां आगरा किला में कैद है और ईश्वर हमारे मन से उठती प्रार्थना स्वीकार करे। दारा राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर आज राम मनोहर लोहिया अस्पताल परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर अस्पताल के कर्मचारियों के साथ ही अन्य रक्तदाताओं ने भी रक्तदान किया। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर आज राम मनोहर लोहिया अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसकी शुरुआत अस्पताल में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर आरएस दुबे द्वारा की गई। इसमें काफी संख्या में लोगों ने रक्तदान किया। शिविर में चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर एमएल भार्गव, डॉक्टर अनिल कुमार और डॉक्टर सुधा वर्मा प्रमुख रूप से शामिल रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, उजाला सिटी न्यूज। बाकी वैसे